नमो नमः मित्रों, आज मैं आपके समक्ष अयादि संधि लेकर उपस्थित हूँ। तो अयादि संधि देखें, यहाँ पर मैं सबसे पहले अयादि संधि इसका कुछ नियम दिया हुआ है यहाँ, और नियम के बाद ये क्रमशः उदाहरण दिया हुआ है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अयादि संधि से पहले दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि, ये सारे जो भी संधि है सबके सब इससे पहले वीडियो में डाला हुआ है, आप उसको देखेंगे। और नेक्स्ट आपके लिए एक पर एक हर एक एग्जाम, ये जो भी मैं अभी कर रहा हूँ हर एक एग्जाम के लिए यह उपयुक्त है। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट फिर वीडियो जो मैं डालूंगा इसमें समास, संधि, प्रत्यय, अव्यय, उपसर्ग, उपपद विभक्ति, कारक, ये सब के सब आपके पास पहुंच जाएगा। तो फिर हम चलेंगे अयादि संधि की तरफ चलें। यहां पर मैं कुछ इसका नियम जो है इसको बताऊं मैं कि क्या नियम है। अब देख लेंगे एक स्थान में क्या हो जाता है, ऐ। अयादि संधि में क्या है, ए, ऐ, ओ, औ, ये चार है, चार के स्थान में क्रमशः ए, या यहां एक स्थान में ऐ, ऐ के स्थान में आय, ओ के स्थान औ, और औ के स्थान में आव हो जाता है, आव, ठीक है ना, सब में गलत होगा। तो इसमें देखेंगे कि एक स्थान में क्या हो जाता है, ऐ, ऐ के स्थान में आय, ओ के स्थान में औ, और औ के स्थान में आव। उसके बाद ये क्या कहां रहना चाहिए, प्लस से पहले हो तो, ठीक है, और प्लस के बाद, प्लस के बाद क्या रहेगा, तो प्लस के बाद रहेगा स्वर, कोई भी स्वर हो, ठीक है, प्लस के बाद कोई भी स्वर होगा तो चलेगा। ओके, प्लस से पहले इनमें से यदि कोई रहेगा तो जो रहेगा उसके नीचे वाला हो जाएगा, जो भी शब्द रहेगा उसके सामने वाला नीचे वाला होगा, और प्लस के बाद स्वर होना चाहिए। चलिए हम लोग उदाहरण चले, उदाहरण देखेंगे पहले इसका, पहले ए का उदाहरण करेंगे। तो एक स्थान क्या होता है, एक स्थान में अय, एक स्थान होता है अय, और यौहलंत, और यौहलंत। अब देखेंगे कि अय में देखेंगे ने प्लस अनम शब्द मैं यहां किया हूं, क्या शब्द है, ने प्लस अनम, यहां पर में ने में क्या है, ए लगा हुआ है, प्लस से पहले कौन है, ए है। मैंने कहा आपसे कि प्लस से पहले इन चारों में से कोई एक होना चाहिए, प्लस के बाद कोई भी स्वर हो, तो क्या है यहां पर, प्लस से पहले ए है, प्लस के बाद स्वर है अ, तो यहां एक स्थान में क्या मिलेगा, आई, तो मैंने क्या यहां एक स्थान में आई को लाया, ठीक है। तो बात बन गई, ए जब इसका काम हो गया, इसके स्थान में आई आ गया, तो कौन बच गया, नौहलंत बच गया, और नौहलंत बचने के बाद यहां पर मैं यहां इसको लिख दिया हूं, नौहलंत, नौहलंत प्लस आई प्लस आयन अनम, ठीक है, इसको मिला देंगे क्या हो जाएगा, न य न म, नौ में अ मिल जाएगा तो नौ, य में अ मिलेगा तो य, और नौ म हलंत नयनम। चलिए अब ये इसके बाद दूसरा यह हो गया, अब इसके बाद दूसरा देखेंगे कब ये शब्द है, इसको तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ने का भी कुछ नियम बता दूं आपको कि कैसा तोड़े, कैसे तोड़े तोड़ा जाएगा। तो कब आइए मैं यह एक बात बताऊं आपको, जब भी य मिले या व मिले, अयादि संधि आपको बता चले कि भाई इसमें अयादि संधि हुई है, तो उसमें क्या कर देखना है कि यदि आपको य मिले या व मिले, ठीक है, उससे पहले देखना है आपको कि अ है या आ है, और उसके बाद देखना है कि कोई स्वर है कि नहीं। यहां पर मैं यदि य से पहले अ रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए, यदि य से पहले आ रहेगा तो हो जाएगा ऐ, ठीक है। चलिए तो यहां पर वही बात हुई है कि य है, य से पहले अ है, तो यहां पर मैं इसको अ ए कर दिया, तो य और अ, य के स्थान में ए हो गया। अब इससे पहले प्लस से इसे पहले क व हलंत लिख दिया, यहां पर में क प्लस ए प्लस यहां पर में य में जो ए है, ध्यान रखना है य व के बाद जो भी स्वर रहेगा वह प्लस के बाद दिखाएगा, ठीक है। क्या हो गया यहां पर में कबे प्लस व में मिला देंगे, कबे प्लस ए बराबर कबे प्लस ए हो गया। चलिए अब हम चलेंगे ऐ का उदाहरण, इसमें चलेंगे, इसको देखेंगे ऐ का क्या हो जाता है, आय, ऐ का क्या हो जाता है, आय।
तो आई के स्थान में यहां पर मैं आई लिखा हूं कि आई के स्थान क्या हो जाता है, आई हो जाता है। अब देखेंगे यहां पर ने कि आई शब्द तो गई में आई है, तो आई के स्थान क्या हुआ है, आई हुआ है, तो आई यहां कर दिए। इससे पहले आई से पहले कौन बचा, गौ बचा, तो गौ हलंत यहां लिख दिए हैं, तो गौ हलंत प्लस आई प्लस अक क्या हो गया, गौ में आ मिल गया और यौ में अ, तो गाय कह। यहां पर आपका क्या शब्द बना, तो गाय का शब्द निष्पन्न हुआ। अब देखेंगे साय कह, इसको तोड़ना देखेंगे कैसे टूटेगा। तो आय शब्द है, यो है, यो से पहले आपको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, आ दिखे तो यहां पर हमें आई ले आना है, ठीक है। तो आई मतलब आई ले आए हैं, अब क्या बचा, तो आय से पहले सौ हलंत बचा, सौ हलंत को लिख दिया हूं यहां, तो सौ हलंत प्लस आई प्लस अकह क्या हो गया, सौ में आई मिलेगा तो सही प्लस अकह, यह भी आपका बन गया। चलिए बहुत आसान है, इसमें कोई अधिक परेशान नहीं है। अब चलेंगे इसमें ओ में, चलेंगे ओ में, ओ में ओ का स्थान क्या हो जाता है, अव हो जाता है। अब देखेंगे ओ के स्थान में किसको लाए हैं, अव को ले आए। अब से पहले ओ इसका काम जब हो गया, ओ के स्थान अव ले आए, तो यहां पर पहलंत बच गया, तो पहलंत लिख दिया, पहलंत प्लस अव प्लस यहां पर में अन क्या हो गया, प में अव मिला देंगे तो प व में अ, तो प व अन पवन, यहां पवन शब्द बन गया। चलिए ओके, पवन शब्द निष्पन्न हुआ। अब हम देखेंगे इसमें ओ का उदाहरण देखेंगे, सेम जैसे इसको तोड़े हैं उसी तरह यहां भी टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट में ओ का उदाहरण देखें, ओ के स्थान क्या हो जाता है, आब हो जाता है, तो ओ का आब, तो ओ के स्थान में यहां पर हम क्या करेंगे, पो, पो में ओ है, पो, तो पो का क्या करिए, आब, ओ का आब कर दिए हैं, और आब यहां पर जब हो गया इसका काम, ओ के स्थान में आब ले आए हैं, तो यहां आब से पहले क्या बचा हुआ है, ओ से पहले पहलंत, तो पहलंत मैं यहां पर लिख दिया हूं, ठीक है। क्या हो गया, पाव में आप मिला देंगे तो पा व और कह, पाव का शब्द आपका बन गया। बस यही अयादि संधि है, इससे अधिक कुछ नहीं है। आपको जहां भी दिक्कत हो या थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, और यदि थोड़ा सा कुछ मतलब फास्टली चल रहा हो तो आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आप जरूर देखेंगे, फिर से देखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, और कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके तक जरूर आप तक पहुंच सके, और जो भी दीर्घ गुण यन वृद्धि जो भी संधि आपको देखना हो आप इससे पहले वीडियो में जाकर के देख लेंगे, पहले वीडियो जो हम किए हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नया वीडियो लेकर के।